राधे कृष्णा फ्रेंड्स, और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो अभी मेरा घर का काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, और मैं अभी बना रही हूँ खाना और सब्जी बना रही हूँ आलू मटर की। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी जो आँखें ना काफ़ी दर्द हो रही थी, इसी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो उसी की वजह से फिर आंखें दर्द होती है तो फिर मेरा सर भी दर्द होता है, तो बस इसी वजह से मैं नहीं कुछ कर पा रही थी। अभी पिछला वीडियो भी मैंने डाला था तो ऐसे ही डाला था, बिल्कुल भी बनाने की, वीडियो एडिट करने की, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। तो खैर ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और बस अगर आप मेरे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मैं अभी बना लेती हूँ आलू मटर की सब्जी और आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, सिंपली बनाती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें पहले आलू डालूँगी। तो तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका था, तो हम थोड़ा सा आलू को तेल में भून लेंगे। हमारे आलू हल्के फुल्के फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर मटर डाल रही हूँ। और मैंने आलू देखिए कैसे काटे हुए हैं, गोलाई में काटे हैं, थोड़े अलग अलग तरीके से भी काट लेती हूँ वैसे मैं। दिखने में थोड़ी सब्जी अलग सी लगेगी, बाकी कुछ नहीं है, टेस्ट पे तो वही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर काट लिए हैं टमाटर, और टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा लिए क्योंकि आलू मटर की सब्जी में ना टमाटर थोड़े ज़्यादा डालो ना जब ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसी में मैं सूखे मसाले डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मतलब आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है धनिया पाउडर, तो हमने धनिया पाउडर भी डाल दिया है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी और आधी चम्मच से भी कम हम हल्दी डालेंगे। तो बस यही बेसिक मसाले जो मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं डालूंगी नमक, तो नमक स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैंने अभी टमाटर में सारे मसाले डाल कर रख दिए हैं, आलू मटर थोड़े फ्राई हो जाए, आलू मटर थोड़े थोड़े हल्के फुल्के पक गए हैं, तो मैं यहाँ पर अब डाल दूंगी टमाटर और मसाले। और थोड़े मैं रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊँगी इसलिए मैंने टमाटर थोड़े ज़्यादा डाले हैं, तो ये डाल दिए मैंने। और इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। जब हम सब्ज़ी में रसा करते हैं ना और उसमें थोड़े टमाटर होते हैं तो अच्छा सा लगता है, रसे में जो टेस्ट आता है ना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए जब मैं टमाटर डालूँगी तो बस ये अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ और ये पक जाएगा। आलू अभी पके नहीं है, कच्चे ही हैं थोड़े, तो मसाले के साथ आलू भी अच्छे से पक जाएंगे। तो बस इसे ढक के रख देते हम। और मैं आ गई हूँ इधर पीछे, तो ये देख लीजिए मेरा धनिया कितना बढ़ गया है ना, तो मैं ये देसी धनिया डालूँगी अपने आलू मटर की सब्जी में और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा हो गया है ना, ये देख लीजिए, वैसे धनिया तो है मेरे पास बट जो ताजे धनिया की बात ना कुछ अलग होती है। और इधर मैंने पालक भी लगा के रखी है, ज़्यादा नहीं लगाई, थोड़ी सी लगाई हुई है।
जो मैंने अभी पालक लगाई है ना, ये इसके मैं पराठे बनाऊंगी, थोड़ी बढ़ जाएगी जब। तो चलिए ये देखिए, हमारा अभी डालने के लिए हमने धनिया तोड़ लिया है, तो मैंने अभी इसे धोकर रख दिया है, फिर हम जब सब्जी पक जाएगी तो डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जी हमारी, ये देख लीजिए आलू पक गए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। और अब इसे ढक देते हैं। तो आलू बटर की सब्जी बनके तैयार है, और मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है, और काफी खुशबू आ रही है धनिए की। तो बस अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और हम ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सब्जी बन गई है, और रोटी अभी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों को खाना नहीं खाना है, जब भूख लगेगी जब मैं बना लूँगी। और इधर ब्रूनो आकर बैठ गया इधर, ये देख लीजिए। तो खैर इधर ना ज़्यादा धूप नहीं रहती है, थोड़ी बहुत ही धूप आती है, पीछे अच्छे से धूप आती है, आगे कम धूप आती है। और देखिए फ्रेंड्स, तुलसी कितनी अच्छी हो गई ना, घनी घनी एकदम पेड़ जैसी हो गई है, देख लीजिए कितनी अच्छी लगती है। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी घनी घनी सी तुलसी। और अभी ठंडी में ना ये देखिए फूल भी काफ़ी आ रहे गुलाब के। तो ये देखिए ब्रूनो इधर पीछे बैठा हुआ है, इसे इधर अच्छा लगता है, क्योंकि आगे गेट लगा कर रखती हूँ तो फिर इधर बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी खाना वगैरह हो गया है, बच्चों को खाना खिला दिया है, और मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ कर दिया है पूरा, और बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर बर्तन भी साफ़ कर दिए, किचन पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स अभी मैं अंदर आ गई हूँ, और काफ़ी मतलब ज़्यादा मेरे को मोबाइल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरी आँखों पर काफ़ी असर हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रही है आँखें मेरी। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि अब अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ, और हम अगले व्लॉग में मिलते हैं फ्रेंड्स। अब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।